हम आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वर्ड पैड में आप कैसे फाइंड एंड रिप्लेस भी वर्ड को कर सकते हैं। इसी की दोस्तों आप कभी वर्ड पैड में कोई वर्ड को यूज करते हैं तो एक वर्ड जो है आपको बार बार आता है तो उसे ढूंढने के लिए दिक्कत होता है। दोस्तों उसको ढूंढने के लिए आपको मैं टिप बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जान लीजिए एग्जाम्पल की वर्ड है, ठीक है। मैं इसके जगह चाहता हूँ कि वर्ड पैड लिखूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा वर्ड आपको कितना बार इसमें यूज किया गया है, ये भी आपको पता चल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक जरूर से आगे भी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वर्ड लिखा है, तो इसके लिए आपको ऊपर मैं तीन स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से आपको कंट्रोल एफ दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस तरह से नहीं जानते हैं तो आपको से ही आपको दबाना है कंट्रोल एच दबा सकते हैं, या फिर तीसरा स्टेप है आप होम तो आपको यहाँ पर फाइंड में ऑप्शन दिख फाइंड पर आप जा सकते हैं। तो प्रोसेस इस तरह से इसे ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड यानी कि मैंने यहाँ पर चूज क्या किया है इस वर्ड चेंज यहाँ पर वर्ड यहाँ पर चूज किया है तो यहाँ पर वर्ड दिखा रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वर्ड इसे चेंज करके मैं दूसरा कुछ यहाँ पर रखूँ तो आपको यहाँ पर रिप्लेस इसे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिप्लेस विद ऑप्शन आ रहा होगा। अब दोस्तों चाहता हूँ कि वर्ड की जगह मैं वर्ड पैड लिखूं, वर्ड पैड में लिखूं वर्ड पैड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर वर्ड पैड लिख दिया। अब इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देगा फाइंड नेक्स्ट यानी कि फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिखलाएगा कि वर्ड पैड किस टॉपिक में स्क्रिप्ट में वर्ड पैड कितने बार लिखा गया है ये बताएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड पैड दिखा रहा है कि वर्ड पैड कितने बार लिखा गया यानी कि वर्ड पैड कितने बार है ये भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। फाइंड पर क्लिक यहाँ पर वर्ड कितने बार दिखाएगा तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको देखिए दिखा रहा है कि वर्ड कहाँ कहाँ लिखा गया, जहाँ 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 वर्ड लिखा रहेगा तहाँ तहाँ आपको। अब चाहते हैं कि कोई भी वर्ड को चूज आपको यहाँ और वर्ड पैड कर और जहाँ वर्ड रहेगा वहाँ पर वर्ड पैड नेक्स्ट करें हल करेंगे जहाँ जहाँ वर्ड था वर्ड यहाँ पर दिखला रहा है कि तीन बार रिप्लेस हुआ है तीन बार वर्ड पैड जहाँ जहाँ वर्ड रहेगा वहाँ पर पैड हो जाएगा। दोस्तों आसान तरीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक जरूर से करें।